पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आ गए हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार बनने के 3-4 दिन के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंस रहा है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट नीतीश कुमार के पास पहुंचाए हैं, उस लिस्ट में नीतीश कुमार संशोधन कर सकते हैं। और इन लिस्टों में जो सबसे चर्चित विभाग है, गृह विभाग, इसको लेकर के जंग छिड़ चुका है दोनों दलों में, जदयू और भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि गृह विभाग को लेकर ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी इस विभाग को अपने पास रखना चाहता है, इसलिए क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को संभाला जा सके। ये विभाग नीतीश कुमार के पास हमेशा से रहा है और इस विभाग को लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहा है। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, तब तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा इस विभाग पर, लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी हमला करते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार राजद के साथ महागठबंधन करते हैं, तेजस्वी यादव की चुप्पी हो जाती है। किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव सरकार बचाए रखने को लेकर इन नीतीश कुमार से कोई विभाग नहीं मांगते हैं, जो मिलता है उसे खुशी खुशी ले लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल खड़े करती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, चाहे जो बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा, ये हमेशा सवाल खड़े करते और बार बार ये कहते भी हैं कि सत्ता परिवर्तन होने के साथ जो बिहार के अपराधी हैं, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर स्थितियाँ बिगड़ी हैं, उस स्थितियों को भारतीय जनता पार्टी सुधारेगी। ये विभाग लगभग 17 से 18 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा है और इस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है और गृह विभाग में जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो कंट्रोल हमारे हाथ से न छीने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विभाग को अपने पास रखने के लिए नीतीश कुमार के पास बार बार फोन कर रही है, बार बार लिस्ट पहुंचा रही है, लेकिन नीतीश कुमार मान नहीं रहे हैं। जदयू के लोग भी परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी के इस विभाग को लेकर के। देखिए, हालांकि ये विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन अगर गृह विभाग की वजह से जंग छिड़ी तो नीतीश कुमार का मन फिर भारतीय जनता पार्टी से डोल सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की टीम नीतीश कुमार से किस प्रकार डील की हुई है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन गृह विभाग छीनने को लेकर जो सियासत है बिहार की राजनीति में, वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गृह विभाग के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग जो है, उसके लिए भी जंग छिड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा जा सकता है, ये बातें लगातार उठ रही हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को संभालने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकते हैं। ये विभाग अगर नीतीश कुमार से छिन जाएगा तो पूरा कंट्रोलिंग पावर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ गृह विभाग के वापसी को लेकर, यानी गृह विभाग के छीनने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू में जहां विवाद उत्पन्न हुआ है, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को संभालने के लिए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से ये मांग लिया है। और नीतीश कुमार इससे पहले कि गृह विभाग मेरे से छिन जाए, एक के बाद एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। बड़े बड़े अधिकारियों को, जो SDO हैं या फिर जो DM हैं, उनका तबादला नीतीश कुमार ने इस विभाग से करना शुरू कर दिया है। कल देर रात ही लगभग 79 जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है और बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार ने इधर से उधर अधिकारियों को कर दिया है। तो क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार से गृह विभाग छिनने जा रहा है? अपने अधिकारियों को नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले कई अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना की अगर बातचीत की जाए तो यहां पर भी DM को बदल दिया गया। कपिल कार्तिकीय जो हैं वो यहां पर बने हैं DM, जो पहले DM थे चंद्रशेखर, उनको हटा दिया गया है। ऐसे ही तमाम जो जिले हैं उन जिलों के DM को बदला गया है और कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी तबादले हो चुके हैं। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गृह विभाग है उसे किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से छीन लेना चाहती है और इस वजह से नीतीश कुमार अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी हो जाएगी, नीतीश कुमार इतने आसानी से गृह विभाग अपने पास से लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो लौटा देंगे तो सारा कंट्रोलिंग पावर नीतीश कुमार के हाथ से छिन जाएगा। ऐसे में क्या कुछ होता है उस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।